केंद्र सरकार ने सोमवार को जोर देकर कहा कि मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान फर्टिलाइजर की उपलब्धता अनुमानित मांग से अधिक है। सरकार ने यह भी कहा कि इस वित्तीय वर्ष में फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़कर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। केंद्र ने आगे कहा कि मिट्टी में डाले जाने वाले पोषक तत्वों की जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उसने राज्यों से फर्टिलाइजर की आवाजाही पर नजर रखने को कहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वह किसानों को सही जानकारी दें, जिससे उन्हें उर्वरक की उपलब्धता को लेकर कोई संदेह नहीं हो। एक आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने संयुक्त रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ उर्वरकों की स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मनसुख मांडविया ने कहा कि यूरिया, डीएपी और एनपीके सहित अन्य उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर कोई दिक्कत नहीं है और मौजूदा समय में मांग के सापेक्ष आपूर्ति के लिए अधिक स्टॉक है। उन्होंने कहा कि महामारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद केंद्र सरकार सब्सिडी बढ़ाकर उर्वरकों की कीमत कम रखने में सफल रहा है। मनसुख मांडविया का कहना है कि इस साल किसानों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ऐसे में हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे जमीनी स्तर पर संतुलित तरीके से उर्वरकों का इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके। महामारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर उर्वरक की कीमतें सस्ती रखने में कामयाबी हासिल की है, ताकि किसानों को नुकसान ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।